आप इस वक्त स्क्रीन पर राजस्थान रियासत की एक मॉकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंसराम यानी गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंसराम सेट एग्ज़ाम मुनक्किद होता है। जी, आप लोगों की जानिब से सलाम भी मौसूल हो गया सभी को। वालेकुम अस्सलाम। इमामुद्दीन इमाम साहब की जानिब से मैसेज भी आ चुका है, क्लियर है। अफसाना खान ने भी ऑडियो और वीडियो क्लियर क्लियर कहा है। अफसाना खान का कहना है कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है, कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कीजिए या ईमेल आईडी पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह गुफ्तगू हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमामुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो ताउन पेश किया है हम उनके ममनून हैं, और बारगाह समदियत में दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन जजा अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वक्त नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल का लाइव सेशन देख रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान सेट एग्ज़ाम जो कि मुनक्किद हुआ था 26 मार्च 2023 को, उसमें सब्जेक्ट उर्दू का पेपर एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट सेकंड है, इसलिए इसकी नंबरिंग जो है वो 51 से स्टार्ट हो रही है। पार्ट फर्स्ट 1 to 50 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट सेकंड 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। एक एक सवाल और उसके जवाब को हम देखने और समझने की कोशिश इंशाअल्लाह ताला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 शेर दिया गया है। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, और शायर का नाम दरियाफ्त किया गया है। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। करेक्ट आंसर है मीर तकी मीर। जी, जो अहबाब कोर्स वगैरह के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, मैं गुड न्यूज़ लेकर आज हाजिर आया हूँ, तो प्लीज़ हम सेशन के लास्ट में 10 मिनट इस पर बात कर लेंगे। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्वेश्चन पेपर पर, कोर्स किस तरीके से लेना है, रिकॉर्डेड, लाइव, ऑफलाइन, फीस वगैरह स्ट्रक्चर क्या है, हम सब लास्ट में बात करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। माजी का रचा हुआ शऊर, हाल के पेचोखम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें, सभी कुछ मौजूद है, ये किसका कौल है? तो ये कौल है आल अहमद सुरूर साहब का। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 53। सवाल जो है शेर मुकम्मल करने के हवाले से पूछा गया है। मेरी घुट्टी में पड़ी है हो के हल उर्दू जुबा। अब देखिए, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। शेर जो है फिराक गोरखपुरी साहब का है, और शेर है दूसरा मिसरा है, जो भी मैं कहता गया हुस्ने बया बनता गया। तो राइट आंसर तो इसका डी आना चाहिए, लेकिन मामूली फ़र्क है, टाइपिंग एरर है। इस शेर को मुकम्मल करने पर डी जो है वो राइट आंसर आता है, फिराक गोरखपुरी साहब का ये शेर है। अगला क्वेश्चन, यगाना यास अजीमाबादी का पहला दीवान किस नाम से शाये हुआ है? तो ये शाये हुआ था नश्तर यास के नाम से। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 20वीं सदी के वस्त में जब तरक्की हिंद तहरीक उरूज पर थी, उस वक्त गज़ल गोई का खमीर रिवायती और क्लासिकी तगज़ुल से उठा, अहम रोल किसकी गज़लों ने अदा किया है? तो सही जवाब है मजरू सुल्तानपुरी, इनकी गज़लों ने अहम किरदार अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। इस शेर का ताल्लुक किस मौजू से, यहाँ शर लिखा है लेकिन वो टाइपिंग एरर है, इस शेर का ताल्लुक किस मौजू से है? समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पर लाई है सबा गंगा जल। तो देखिए, ये एक नातिया कसीदा है, और ये कसीदा लिखने वाले हैं मोहसिन काकोरवी साहब। तो इसका ताल्लुक है
नात से, इसलिए कि ये नातिया कसीदा है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 57, निकातु शोरा क्या है? तो निकातु शोरा ये तज़किरा है। अब किन साहब का तज़किरा है और किन शोरा का तज़किरा है, मुराद उर्दू शोरा का तज़किरा या फारसी शोरा का तज़किरा या किस ज़ुबान में लिखा गया है, ये आप कमेंट करके बताइए ताकि आपकी स्टडी का भी अंदाज़ा हो। अगला सवाल 57, उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या है? आगरा अखबार, शमशुल अखबार उर्दू, देहली अखबार उर्दू या फिर जामे जहानुमा? तो इसका राइट आंसर है जामे जहानुमा। अक्सर अहबाब गलती कर देते हैं, देहली अखबार लिख देते हैं, इसका राइट आंसर होगा जामे जहानुमा। क्वेश्चन नंबर 59, खाकानी हिंद के खिताब से किसको नवाजा गया था? आसान सा जवाब है, जौक साहब को नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, रूहे कायनात किसका शेरी मजमुआ है? तो ये शेरी मजमुआ है फिराक साहब का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, जी आपकी कमेंट देख रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने बताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिदुल खेरी को किस नाम से याद किया जाता है? तो आपको मुलक्कब किया गया है मुसव्विरे गम के लकब से। आगे देख लेते हैं, मंदा जजेल में से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की नहीं है? एक लड़का, सुबह उम्मीद, बाज अमद या फिर पगडंडी? इसका जवाब है सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद किसकी नज़्म है, आप ये कमेंट करके बताने की ज़हमत फरमाएं। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, चांद तारों का बन के तख्लीकार कौन है? तो इसके तख्लीकार है मखदूम मुहियुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 64, नज़ीर अकबराबादी कब पैदा हुए? 1740, 1736, 1775 या 1785? राइट आंसर है 1740। क्वेश्चन नंबर 65, जंगल की शहजादी नज़्म के शायर कौन है? तो इसका सही जवाब है जोश साहब। क्वेश्चन नंबर 66, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, फारसी, तुर्की, अरबी या फिर उर्दू? तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 67, ये भी काफ़ी आसान सा सवाल था, डॉक्टर इकबाल के वालिद का क्या नाम है? तो डॉक्टर इकबाल के वालिद का नाम है नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 68 भी देख लीजिए, तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जमा है? तो ये है गांधी जी की आप बीती का उर्दू तर्जमा, तलाश हक। तलाश हक का ओरिजिनल नाम क्या है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, जदीद गज़ल को समत और रफ्तार बख्शी हसरत ने, फैज़ ने, इकबाल ने या फिर गालिब ने? तो जाहिर सी बात है रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन हसरत मोहानी साहब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इमामुल मुतग़ज़्ज़लीन हसरत मोहानी साहब। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, मंदरजा ज़ैल शेर में सिफत सिफत इस्तेमाल हुआ है, अब सनते दिए चार, तशबीह, किनाया, तालील या फिर इस्तियारा? और शेर दिया गया है, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, जुल्मत से मुराद तारिकी, रोशनी से मुराद उजाला, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। अब इसमें तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, इस्तियारा का या फिर किनाया का या फिर तालील का? तो देखिए जो शेर माखूज है ये अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है जुगनू के हवाले से वहाँ से माखूज है। अब जुगनू को डॉक्टर इकबाल ने इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, चांद बराह रास्त चांद सा नहीं कहा बल्कि जुगनू को चांद कहा है डॉक्टर इकबाल ने। जुल्मत और रोशनी, उसकी जो जगमगाती और झिलमिलाती रोशनी है उसे जुल्मत और रोशनी से ताबीर किया है। जब वो रोशन होता है और जब वो रोशनी बंद कर देता है तो उसके जाने इशारा किया है, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, तो यहाँ पर इस्तियारे का इस्तेमाल हुआ है। 71, कलाम में किसी मशहूर वाक्य का किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करने को डैश डैश कहते हैं? आसान सा जवाब है सनते तलमी कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 72,
इस्माइल मीठी की वफात कब हुई थी? तो राइट आंसर है 12 नवंबर सन 1844। ये सवाल भी आसान सा है। करबल कथा किसकी दास्तान है? मुल्ला वजी, अमानत लखनवी, रजब अली बेग सुरर या फजल अली खां फजली की? तो राइट आंसर है डी, फजल अली खां फजली की। मुल्ला वजी सुरूर साहब और अमानत लखनवी साहब की जो दास्तानें हैं उनके नाम आप कमेंट करके बताने की जहमत फरमाइए। क्वेश्चन नंबर 74। बाग व बहार का जवाब देने के इरादे से रजब अली बेग सुरर ने दास्तान लिखी। देखिए, फसाने अजायब लिखी है। हम मुसलसल अभी एक डेढ़ हफ्ते से जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से अक्सर व बेशतर सवालात या तो महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम या तो राजस्थान सेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक एक करके इशारती तौर पर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। आगे हम देख लेते हैं। ये फसाने अजायब का जिक्र और बाग व बहार का जिक्र इसलिए आया कि जब फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ा रहा था तो वहाँ पर हमने तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू की थी। आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 75। शहजादे जान आलम किस दास्तान का किरदार है? तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ रखा है फसाने अजायब को। राइट आंसर फसाने अजायब होगा। क्वेश्चन नंबर 76। जैर इश्क वो पहली मसनवी है जो फौकुल फितरी अनासिर से पाक है। 76 का राइट आंसर है सी, फौकुल फितरी, माँ फौकुल फितरत अनासिर से ये पाक है। ये मसनवी किसकी है आप कमेंट करके बताने की जहमत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। अमानत लखनवी का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन, आगा हसन, मोहम्मद शाह, सैयद अली? तो इसका सही जवाब है आगा हसन साहब। देखिए, जिस स्टूडेंट्स का पेपर है ये जो ब्लैक डॉट और लकीरें नज़र आ रही है ये उन्होंने लगाए हैं, आप इसे दुरुस्त जवाब तस्लीम ना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? कुतुबशाही दौर की ये तसनीफ है और ये लिखी गई थी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। जी माशाल्लाह, जैर इश्क ये मिर्ज़ा शौक की मसनवी है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद रानी केतकी की कहानी दास्तान में माँ फौकुल फितरत 00 हस्तियाँ पाई जाती है। तो इसमें जगत प्रकाश और राजा इंदर की हस्तियाँ पाई जाती है। किस सवाल के हवाले से कह रहे हैं? दुआ राजस्थान, वफात पूछी है 1917, इस्माइल मिठी की वफात। ओ, क्वेश्चन नंबर 72 आप उसे जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, हमने इसीलिए टाइटल ही में लगा दिया है अनऑफिशियल आंसर की बाय नूरी एकेडमी। जाहिर सी बात है हम और आप स्टूडेंट ही है तो कुछ सवालात के जवाबात मुख्तलिफ हो सकते हैं जो कि डिसाइड करेगा राजस्थान स्टेट बोर्ड। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात नहीं होंगे, बस एक दो या दो तीन सवालों के जवाबात इस तरीके से निकल सकते हैं। ज़्यादातर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो उनके जवाबात में तो तरमीम नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। इंदर सभा ड्रामा कौन से सन ईस्वी में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सन 1852 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81। हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा स्टेज पर पेश किया गया? राइट आंसर है आगरा बाजार। क्वेश्चन नंबर 82। मोहम्मद हुसैन का कौन सा ड्रामा एक सियासी तमसील है जिसमें 1975 के हंगामी हालात को ईरानी देवमाला के हवाले से बयान किया गया है? सही जवाब है ज़हाक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। खुद नविश्त सवानी उम्री कौन सी है? तो खुद नविश्त सवानी उम्री यादों की बारात है। जोश साहब की हयात सादी हो, यादगार गालिब हो या फिर हयात जावीद हो, ये सवाने हयात तो है लेकिन खुद नविश्त नहीं है। अब मामूली सा फ़र्क होता है खुद नविश्त और सवान उम्री और आप बीती में। इससे पहले हम अपने लेक्चर में बता चुके हैं। यहाँ पर आप 83 का राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। 84। मंदा जजेल शेर किस नज़म से लिया गया है? ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई।
डॉक्टर इकबाल की ये नज़्म है और ये माखूज है एक मकड़ा और मक्खी से। तो 84 का राइट आंसर होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, सबावीरा किसकी नज़्म है? तो सबावीरा ये नज़्म है नज़र मोहम्मद राशिद की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 86, खाक हिंद किसकी तख्लीक है? तो खाक हिंद ये तख्लीक है चकबस्त साहब की। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमामुद्दीन साहब। इस्माइल मिठी की वफ़ात 1 नवंबर 1917, ऊपर जो हमने मिस स्पेल किया था, तमाम अहबाब उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। उर्दू जहाँ का कहना है कि पेपर आसान था, जी हाँ राजस्थान का भी पेपर आसान था और महाराष्ट्र का पेपर भी आसान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 87, अनारकली को स्टेज करने में क्या चीज़ माने हुई थी? तो उसके जो तवील तवील मुकालमे हैं वो खलल पैदा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं, शेरुल अजम का मौजू क्या है? अरबी शायरी, तुर्की शायरी, उर्दू शायरी या फिर फारसी शायरी? तो फारसी शायरी शेरुल अजम का मौजू है। मनकबत किसके लिए लिखी जाती है? नवाबों के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए या फिर सहाबा के लिए? देखिए अल्लाह के लिए जो लिखी जाती है वो हम्द और मुनाजात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कलाम लिखा जाता है वो नात मुकद्दस है। और सहाबा के लिए जो लिखा जाता है वो मनकबत, औलिया इकराम के लिए जो लिखा जाता है वो मनकबत, और नवाबों की शान में जो लिखा जाता है उसे कसीदा कहते हैं। तो राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, ड्रामों के मजमूए सात खेल का मुसन्निफ़ कौन है? तो इनका सही जवाब है बेदी साहब, इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, 91 क्वेश्चन नंबर 91, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कौन कहलाता है? आसान सा जवाब है आगा हशर काश्मीरी साहब उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहलाते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 92, सिल्वर किंग ड्रामा और भी कई नामों से मशहूर हुआ है। ये मशहूर हुआ था नेक परवीन नाम से। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मेरी अपनी नोट्स मारुजी अदब पारे के नाम से ये पब्लिश हो चुकी है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, मारुजी अदब पारे सर्च कीजिए और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। हमने आगाशर काश्मीरी और उनके जो ड्रामे मुख्तलिफ नामों से पेश किए गए हैं उसकी पूरी तफसील, बल्कि मेरी अपनी वो नोट्स है 400 सफात पर मुश्तमिल, जिसे पढ़कर मैंने नेट, जीआरएफ, एमएस सेट और तकरीबन 3-4 यूनिवर्सिटियों के पेट एग्ज़ाम क्लियर किए थे। वो नोट्स आप भी इंस्टॉल करके उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो ये है आग का दरिया का किरदार। क्वेश्चन नंबर 94, उर्दू में नावल लफ्ज़ किस ज़ुबान से आया है? अंग्रेज़ी, जर्मन, बरतानवी, फ्रांसीसी? देखा जाए तो ये लफ्ज़ है अतालवी, इटालियन ये लफ्ज़ है, नावेला से मुश्तक है, लेकिन उर्दू ज़बान में ये अंग्रेज़ी से वारिद हुआ है। राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? तो मंटू की पैदाइश हुई थी लुधियाना में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, कृष्ण चंद की तसनीफ अन्नदाता का मौजू क्या है? मौजू है कहे थे बंगाल। जी हम लास्ट में 79 का भी देख लेंगे जो लोग मैसेज कर रहे हैं, अभी हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? तो लखनवी तर्ज माशरत तहजीब व सकाफत की झलकियाँ उमराव जान अदा में मिलती है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? तो ये नावल तौबतन नसों का, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, उसका कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन मार्कसी नक्काद है? तो सही जवाब है एहतिशाम हुसैन। सवाल नंबर 100 देखते हैं, बहसियत मज़ा निगार कौन मशहूर है? आसान सा सवाल है, पतरस बुखारी बहसियत मज़ा निगार मौजूद है। नसीरुद्दीन हाशमी माहिर लिसानियात है, डिप्टी नज़ीर अहमद नावलिस्ट है, अब्दुल अलीम शरर भी नावल निगार के तौर पर पहचाने जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, काजी अब्दुल वदूद को शोहरत
किस तरीके से हुई? तो ये मुहक्किक के तौर पर हुई। अभी हमने यूनिट 7 पढ़ा है और यूनिट 7 में तनकीद व तहकीक जब पढ़ रहे थे तो काफ़ी तफसील के साथ काजी अब्दुल वदू साहब है, मौलवी अब्दुल हक साहब है और भी जो मुहक्किकीन, उनको तफसील के साथ हमने पढ़ा है। आगे आते हैं सवाल नंबर 102। मुकदमे शेर व शायरी का ताल्लुक किस तनकीद से है? तो ये जदीद तनकीद से इसका ताल्लुक है। 103 देख लेते हैं। ज़ेल में से कौन सा लखनवी दबिस्तान शायर नहीं है? तो दाग का ताल्लुक दिल्ली से है, बाकी ये तीन जो है लखनवी दबिस्तान से वाबस्ता थे। तो राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। नवाब मुस्तफ़ा खां शैफ्ता का तज़किरा कौन सा है? तो ये तज़किरा है गुलशन बेखार। आगे बढ़ते हैं 105। तख्लीक एक पैकर तराशी है और तहकीक उसके मवाद से बहस करती है और तनकीद उस पैकर की अच्छाई बुराई का इजहार करती है, ये किसने कहा है? देखिए हम इसे तलाश नहीं कर पाए हैं। अगर किसी के इल्म में सवाल नंबर 105 का जवाब हो तो वो कमेंट कर दे और मैं उसे पिन कमेंट में डाल दूंगा ताकि बकिया के अहबाब भी उसे देख ले। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 106। मवाज़ने अनीस व दबीर में शिबली ने कौन सी तनकीद पर रोशनी डाली है? तो देखिए ये जो है एक कॉम्पिटेटिव स्टडी है। सही जवाब होगा डी, तकाबुली तनकीद। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 107। अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म मद्द व जज़र इस्लाम किस शक्लों पर मबनी है? है ना, देखिए अगर आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया होगा तो बहुत आसानी के साथ आपने जवाब लगाया होगा बी, मुसद्दस। इसलिए कि ये नज़्म मुसद्दस हाली के नाम से भी मशहूर है, तो मुसद्दस हाली मुसद्दस, तो इसकी जो शक्ल हैयत है वो मुसद्दस की शक्ल में है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, अगर आपने निसाब भी सही तरीके से देखा होगा तो इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा फरतुल्ला बेग साहब। आगे बढ़ते हैं 109। दारु तर्जमा किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है? देखिए अभी हमने यूनिट 9 का मुताला किया जहाँ पर दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, तहरीक इस्लाह ज़ुबान, इहाम गोई की तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, दारु तर्जुमा उस्मानिया, जदीदियत की तहरीक, ये सब हम हल्के अरबाब ज़ोक इन सब का मुताला इसी हफ्ते में कर रहे थे। तो हमने तफसील के साथ दारु तर्जुमा और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मुताला किया था कि यूनिवर्सिटी से पहले दारु तर्जुमे का क़याम अमल में आया था क्यों, उसके असबाब वगैरह हमने सब तफसील के साथ देखे हैं। तो सवाल नंबर 109 का राइट आंसर होगा सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 110 की जानिब। दिए गए मौजू में कौन सा इंशाइये की नौयत पर है? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, सैरुल बयान मसनवी है, अंगारे जो है वो अफसानवी मजमू है, खाक के वतन क्या है आप कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 111। शिबली नुमानी ने किस किताब को मुसलसल मद्दाही कहा है? तो हयात जावेद को शिबली नुमानी ने मुसलसल मद्दाही कहा है इसलिए कि इस किताब में सर सैयद अहमद ख़ान की सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ की गई है। जैसे यादगार गालिब में एक रिव्यू का पार्ट है, रिव्यू वहाँ पर किया गया फ़िक्र व फ़न को, पहले हिस्से में तो मिर्ज़ा गालिब की हयात व खिदमात है, बाद में रिव्यू का पार्ट है, एक क्रिटिकल स्टडी है, क्रिटिकल एनालिसिस है, लेकिन हयात जावेद में इस तरह कुछ नहीं है। तो इसलिए उसे शिबली नुमानी ने मुसलसल मद्दाही से ताबीर किया है। सवाल नंबर 112 देख लेते हैं। सवाल नंबर 112। सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ जब खेत जागे, खुतबात अहमदिया, सुर्ख सवेरा और तहजीबुल इखलाक, तो इसका सही जवाब है खुतबात अहमदिया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 113। देही ज़िंदगी पर किसने अफसाने लिखे? अली अब्बास हुसैनी, मंटो इस्मत या फिर प्रेमचंद? तो राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद ने। सवाल नंबर 114। हम नफसान रफ्ता किसके खाकों का मजमुआ है? तो ये है रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 115। नीचे लिखे शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है? खद बड़ा जुल्फे बड़ी, काकुल बड़े गेसू बड़े, हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बड़े। तो इस शेर में सनत मुरातुन नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 116। जमालियाती तनकीद किस नाकिद से मंसूब है? तो ये मंसूब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 117। उर्दू का ताल्लुक
किस खानदान से है? तो उर्दू का ताल्लुक हिंद आर्याई खानदान से है। उसके बाद सवाल नंबर 118। देखिए, इस सवाल को मुझे समझने में दिक्कत हुई है, अगर आप के इल्मों में है तो आप बता दीजिएगा ताकि हम इसे दुरुस्त कर लें या आप कमेंट कर दें। अब देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, जदीद हिंद आर्याई की गिरोहबंदी में इख्तिलाफ़ है, लेकिन माहिर लिसानियात ने इसको इस तरह से रखा है। जब हम मशरक़ी ज़ुबानों को देखते हैं तो वो मुख्तलिफ है, और यहाँ पर मुख्तलिफ बताए। इसी तरीके से जुनूबी में महाराष्ट्री और मराठी, जबकि दोनों एक ही है ना, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली ज़ुबान को ही मराठी कहते हैं। मध्य देश में की जो ज़ुबानें हैं वो भी अलग है, मध्य पूर्वी की अलग है, शुमाल मगरबी की। तो मैं समझने से कासिर हूँ, अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो नवाजिश होंगी। इसी तरह सवाल नंबर 119 जो है, दुआबा यानी गंगा जमुना के दरमियानी इलाकों में बोली जाने वाली, अब मागधी जो होती वो मगध के इलाके में बोली जाती थी, शोरशीनी जो मथुरा कहला शोरशेन का जो इलाका है वहाँ पर बोली जाती थी। उर्दू तो इसका नाम तहरीक इस्लाह ज़ुबान के बाद नासिक के ज़रिए से सन 1800 में इसका नाम हुआ था। और प्राकृत तो कोई ज़ुबान नहीं है ना, वो तो फितरी ज़ुबान है, नेचर प्राकृति से बनी है। तो ये सवाल भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आपके इल्मों में है तो आप बताइएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 120 है, हिंद आर्य ज़ुबान की तारीफ़ को तीन कौन कौन से हिस्सों में तकसीम किया गया? देखिए, पहला हिस्सा ठीक है, कदीम आर्याई या अहद कदीम, ये 500 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह। फिर वस्ती हिंद आर्याई, ये है 500 कबल मसीह से 1000 सन ईस्वी तक, और जदीद आर्याई जो है वो 1000 ईस्वी से लेकर आज तक यानी 2023 तक, यही तीन अदवार बनाए गए हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो 500 कबल मसीह से 600 सन ईस्वी तक दिया गया, जबकि वो 1000 सन ईस्वी है। तो इसमें भी जो है ना वो मुश्किल है। दुआ राजस्थान का कहना है कि शोशिनी दुआ, अब हो सकता है यहाँ मथुरा का जो इलाका है, क्या वहाँ पर गंगा जमुना का दुआबा पाया जाता है? अगर ये है तो फिर आप इसका जवाब नोट डाउन कर लें कि 119 का जवाब जो होगा वो सी होगा, शोरशिनी मथुरा का जो इलाका है। उसके बाद ऐसा दुआ राजस्थान का कहना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर है 121। उर्दू कवायद की पहली सिफर सिफर फारसी ज़ुबान में है, अब कौन सी किताब है? तो एक किताब है दरियाए लताफत। दरियाए लताफत किसकी है वो आप बताइएगा। उसके बाद सवाल नंबर 122, उर्दू का पहला साहबे दीवान शायर कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहबे दीवान शायर है। पहले वली दखनी को कहा जाता है, लेकिन बाद में रिसर्च की गई तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका जो है पहला साहबे दीवान शायर था। 123, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? आसान सा सवाल है, हाफिज़ महमूद शेरानी साहब की। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 124 की जानिब, हिंदुस्तानी बोलियों में तसव्वुफ़ व मोहब्बत के पैगाम सुनाए, किन्होंने सुनाए है? सूफिया इकराम ने सुनाए है। सवाल नंबर 125, उर्दू की लिसानी इनफरादियत इसी पहलू से नुमाया है? डैड डैश। अब चार ऑप्शन है, सियासी और जमहूरी ज़ुबान, मखलूत और जमहूरी ज़ुबान, देवनागरी और संस्कृत ज़ुबान, पंजाबी और अंग्रेज़ी ज़ुबान। तो इसका जवाब होगा मखलूत और जमहूरी ज़ुबान। मखलूत ज़ुबान है, इसमें अरबी के अल्फाज भी है, फ़ारसी के अल्फाज भी है, संस्कृत के अल्फाज भी है, तो इस तरीके से मखलूत ज़ुबान होंगी। देवनागरी ये तो एक रस्मुल ख़त है जो हिंदी ज़ुबान के लिए इख्तियार किया गया था जब अंग्रेज़ों ने पॉलिसी इख्तियार की थी डिवाइड एंड रोल के तौर पर। 126 का जवाब भी मुझे नहीं मिल पाया है, 11वीं सदी में, टाइपिंग मिस्टेक के 11वीं सदी में सैयद शामिर ने एक मजहबी किताब दखनी ज़ुबान में डैड डैश के नाम से लिखी। अब मेराजुल आशकिन जब देखते हैं तो मेराजुल आशकिन तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की, इसी तरह निशातुल इश्क है, जल तरंग है, असरारु तौहीद भी है, तो इसमें जो है ना वो कन्फ्यूज़न हो रही है। अगर किसी को जवाब मालूम हो तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 127 की जानिब, मुल्ला वजी की तसनीफ़ कौन सी है? तो मुल्ला वजी की तसनीफ़ है सबरस। 128 पर आ जाइए, ऐसी नज़्म जो वज़न के तकाज़ों को पूरा करती है लेकिन रदीफ़ और काफ़ियों से आज़ाद हो, तो ये नज़्म कहलाती है गैर मुकफ़ा या मुअर्रा नज़्म। सवाल नंबर 129 देख लेते हैं, आपका दोस्त कहाँ से आया? इस जुमले में दोस्त क्या है? तो इस जुमले में जो दोस्त होगा वो मेरे मुताबिक तौसी मुब्तदा, इसलिए कि अगर जब हम मुफरद जुमला देखते हैं तो मुफरद जुमले में दो जुज़्व होते हैं, एक क्या होता है, एक मुब्तदा होता है और दूसरा खबर होता है,
यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो मुब्तदा है, और क्या बात की जा रही है वो खबर है। तो अब बताइए मेरा गुमान दुरुस्त है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। मैं आज स्कूल पैदल जाऊंगा, है ना, जाने की बात हो रही है। मैं ये ज़मीर मुतकल्लिम की अलामत है, लेकिन मुस्तकबिल में जाने की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से ए भी दुरुस्त हो सकता है और सी भी दुरुस्त हो सकता है। अच्छा, सबिया खातून का कहना है कि ये सब सवालात जो है वो रीट के सिलेबस में से। ओके, 131 देख लेते हैं। खिदमत से डैश डैश आया, खिदमत से अजमत आया, ये कहावत है जो मुकम्मल करने के लिए कही गई थी। सजन तुम मुखसती खोलो नकाब आहिस्ता आहिस्ता, मस्कुरा बाला शेर किसका है? तो ये शेर है वली दकनी का। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 133 देख लेते हैं। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, तो ये कॉल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, यूनिट फर्स्ट में हमने तफसील के साथ देखा था। 134 कुतुब मुश्तरी मसनवी में मुश्तरी 00 नाम से मशहूर हुई है, तो ये मशहूर हुई थी भागमती के नाम से। आगे बढ़ते हैं, 135 सवाब लफ्ज़ के माना के, देखिए अज्र उन्होंने लगा के रखा है, जबकि वो जो सवाब है अज्र वाला वो से आता है, स्वास से नहीं आता है। इसका माना होगा दुरुस्त, रास्त के माना पे होता है, राह रास्त के आना, सवाब के माना होते हैं दुरुस्त के। उसके बाद 136 जौहर की जमाउल जमा पूछा गया, देखिए सिर्फ जमा नहीं पूछा गया, जमाउल जमा, अगर सिर्फ जमा पूछा जाता तो जवाहर होता, लेकिन जमाउल जमा है तो सही जवाब होगा जवाहरात। इसी तरीके से 137 देख लेते हैं। इमदाद इमाम असर सौदा की कसीदा निगारी के मुतालिक क्या ख्याल करते थे? तो उनका ख्याल था अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदों को जेर बहस लाना भी फजूल होता। आगे बढ़ते हैं, 138 इसमें भी देखिए कुछ लोगों ने गलती की होंगी। सकर का मुतजाद क्या है? जिद पूछा गया है सकर का। अब सकर जो माना होता है ना वो आता है गर्मी के माना में, झुलसा देने वाला, तपिश के माना में आता है, तड़पा देने वाला, झुलसा देने वाला, सकर के माना में आते हैं ना। अब कमर चांद को कहते हैं हजर, वो सफ़र को कहते हैं, तहकीर जिल्लत को कहते हैं, और जजर जो कहते हैं ना वो पानी के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए जो जवार भाटा होते हैं उसे मद्दो जजर के नाम से वाकिफ किया गया। तो सकर का जो जिद होगा वो डी होगा, जजर होगा। उसके बाद 139 देख लेते हैं। मर्सिया लफ्ज़ किससे बना है? ये लफ्ज़ रिसा से मुश्तक है। 140 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मशहूर हिजविया कसीदा कौन सा है? तो तजही के रोज़गार, ये उनका मशहूर हिजविया कसीदा है। उसके बाद कसीदे का आखिरी जुज़ो क्या है? कसीदे का आखिरी जुज़ मुद्दा होता है, उसी के लिए तो कसीदा लिखा जाता है। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 142 इब्राहिम ज़ौक को अकबर शाह सानी ने किस खिताब से नवाजा था? तो आपको खाकानी हिंद का खिताब दिया गया था। फूलबन किसकी तसनीफ है? फूलबन इब्ने निशाती की तसनीफ है। सहरुल बयान मसनवी कौन सी सना में तसनीफ की गई? तो इस 1742 में 82 में सहरुल बयान मसनवी लिख ली गई थी मीर हसन के ज़रिए से, लेकिन उस वक्त कोई छापे खाने वगैरह मौजूद नहीं थे, तो 80 में तो हुई नहीं थी। तो इसका जवाब होगा 84। 145 देख लेते हैं। गुले बकौली की दास्तान इश्क की एक तवील मसनवी है, गुलजार नसीम का ये हिस्सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 उर्दू मसनवी के इर्तका, ये अब्दुल कादिर सरवरी की तसनीफ है। मसनवी बिकट कहानी किसकी तख्लीक है? तो ये है अफजल झंझानवी की बिकट कहानी। उसके बाद सवाल नंबर 148 किस शेर की आमद है किरण काँप रहा है? ये मस्कुरा शेर किसने लिखा है? तो ये शेर लिखा है मिर्ज़ा दबीर ने, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने शेर लिखा है। उसके बाद 139 मीर अनिस की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? तो आपकी पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में। उसके बाद 150 मरसी आरिफ किसने लिखा और किसके लिए लिखा है? तो मरसी आरिफ ये मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, उनकी जो बेगम थी उमराव जान, उमराव बेगम के भतीजे के लिए मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था। तो इसका सही जवाब होगा सी। तो इस तरीके से ही हमने कुछ सवालात देख लिए हैं और आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हुएंगे। ये सब आप जो है हमारी वेबसाइट नूरी एकेडमी पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है काफ़ी कुछ मवाद यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हवाले से मुहैया कर दिया है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो यूजीसी नेट का कॉलम है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मुकम्मल 10 यूनिट हमने यहाँ पर जमा कर दिया है। जी, कसीदे का आखिरी जुज दुआ है, इमामुद्दीन इमाम साहब का मैसेज आया है। देखिए इस तरह सब यूनिट है, जैसे अभी यूनिट 7 पर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरी एक इंडेक्स ओपन हो जाएंगी जिसमें पूरी तफसील आप देख पढ़ सकते हैं। बाकी जो कमेंट्स है वो देख लेते हो, अदरवाइज फिर क्लास को यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। देखिए मैं फिर एक मरतबा कहता हूँ, ये अनऑफिशियल है, इसमें दो चार सवालों के जवाब इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए हम पेशगी माजरत चाहते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है वो दुरुस्त होंगे। अफसाना, इस वक्त आप जो हमारी वेबसाइट देख रहे हैं वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दोनों अवेलेबल है, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। बरकत समेजा का कहना है कि 120 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, माशाल्लाह। रीत का सपना, रीट राजस्थान का जो एग्ज़ाम है। जी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए यहाँ पर, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता देता हूँ। एक हम रिकॉर्डेड कोर्स बहुत ही रियायती दामों में अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, हम वहाँ पर तफसील बता देंगे। जी हाँ, वो इस्माइल मीठी की जो वफ़ात है 1 नवंबर 1917 है, आप सभी लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। कट ऑफ अभी नहीं बता पाऊँगा उसका, कासमी साहब पूरा एनालिसिस करना होगा, और भी गुज़िश्ता सालों के पर्चे देखने होंगे, कितना कट ऑफ जाता है वो देखना होगा, पेपर फर्स्ट को देखना होगा, मतलब पार्ट वन को, वो कितना मुश्किल था, कितना वो था, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम बता पाएँ, क्योंकि पेपर आसान है, पेपर आसान होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जिस तरह अभी सेट का था, महाराष्ट्र सेट का, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र सेट का भी जो एग्ज़ाम आसान गया है, तो उसके ज़रिए से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ तो हाई जाने वाला है, यानी वो कम नहीं रहेगा, आसान नहीं होगा। देखिए फर्स्ट पेपर हार्ड था, पहले ही यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, तो जाहिर सी बात है अगर वो हार्ड ये आसान तो फिर एवरेज भी जा सकता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि पेपर सेकंड काफ़ी इजी था। जी माशाल्लाह, जी ठीक है, आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और तेलंगाना स्टेट का सवालिया पेपर अगर किसी के पास हो तो वो शेयर कर दीजिए, जो कि अभी चंद दिन पहले हुआ था, तो उसे भी हम सॉल्व करवा देंगे, और इस तरीके से और भी अगर रियासतों के पेपर आपके पास आते हैं तो प्लीज़ आप हमें फॉरवर्ड कर दिया करें, हम उसे उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। मिलते हैं रात में तरावी के बाद की क्लास में, खुदा हाफिज़।